हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जया। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट 4 ऑफ आवर बुक मैरीगोल्ड फॉर क्लास फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज मिठू एंड द एलो मैंगो, मिठू और पीला आम। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, सुने और इस स्टोरी को, इस कहानी को एंजॉय करें। मिठू वाज अ पैरोट, मिठू एक तोता था। अ ग्रीन पैरोट विथ अ रेड बिक, एक हरा तोता जिसकी लाल चोंच थी। वन डे मिठू वाज फ्लाइंग, एक दिन मिठू उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई, वह उड़ना पसंद करता था। ही लुक डाउन, वह नीचे देखा। ही सॉ अ बिग एलो मैंगो ऑन अ ट्री, उसने देखा एक पेड़ पे एक बड़ा पीला आम। वह एक पेड़ पे एक बड़ा पीला आम देखा। मिठू लाइक्ड मैंगोज, मिठू आम को पसंद करता था। आई वॉन्ट टू ईट द एलो मैंगो, ही सेड, उसने कहा मैं आम खाना, वह पीला आम खाना चाहता हूँ। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, वह पेड़ के नीचे गया, उड़ा। काव काव गो अवे, काव काव दूर जाओ। दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस, एक आवाज़ आई, यह मेरा पेड़ है। मिठू लुक्ड अप, मिठू ने ऊपर देखा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। काव काव गो गो, काव काव जाओ जाओ। द क्रो शाउटेड, वह कौवा चिल्लाया। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसकी बहुत तेज आवाज़ थी। मिठू वॉज अ फ्राइट ऑफ द क्रो, मिठू उस कौवे से डर गया था। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ गया। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न द पेज। मिठू सॉ अ रेड बैलून, मिठू ने एक लाल गुब्बारा देखा। इट वॉज अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया, विचार आया। ही पिक्ड अप द रेड बैलून, उसने वह लाल बैलून उठाया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू ब्रस्ट इट, वह बहुत सावधान था ताकि वह फटे नहीं। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, वह आम के पेड़ के पास उड़ा। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, वह कौवा उस पेड़ पे बैठा था। मिठू वेंट बिहाइंड द ट्री, मिठू उस पेड़ के पीछे गया। ही पिक द बैलून विथ हिज रेड ब्रिक, उसने अपनी लाल चोंच उस बैलून में चुभाया। पॉप द बैलून ब्रस्ट, पॉप, और वो गुब्बारा ब्रस्ट कर गया, फट गया। इट मेड अ लाउड नॉइज, वह एक बहुत जोर की आवाज़ हुई, बहुत जोर की आवाज़ बनाया। काव सेड द क्रो, कवि ने कहा काव। एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वह पेड़ से नीचे गिर गया। काव काव अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो, कवि ने कहा काव काव एक बड़ा बंदूक मेरे पीछे है। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, वह कभी उस पेड़ पे वापस नहीं आया। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न द पेज। मिठू केम टू द ट्री, मिठू उस पेड़ पे आया। ही एट द बिग एलो मैंगो, उसने वह बड़ा पीला आम खाया। यमी यमी, व्हाट अ नाइस मैंगो, यमी यमी, कितना अच्छा आम है। ही सेड, उसने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। क्लेवर मिठू, चालाक मिठू बहुत खुश था। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर आवर न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला। नेक्स्ट है क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा। नेक्स्ट है मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम। नेक्स्ट है पैरोट, पैरोट मीन्स होता है तोता। लेट्स रीड। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, आई लाइक फीडिंग अ क्रो। ओके,
सो स्टूडेंट्स ये केवल पढ़ना था आपको. नाउ स्टूडेंट्स दीज आर आवर प्रैक्टिस वर्क. रीडिंग इज फन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डिड मिठू सी ऑन द ट्री. मिठू ने पेड़ पे क्या देखा. तो इसका आंसर होगा मिठू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री. नेक्स्ट व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से. बड़े काले कौवे ने क्या कहा. तो इसका आंसर होगा द बिग ब्लैक क्रो सेड काव काव गो अवे दिस इज माय ट्री. ओके नेक्स्ट व्हाट डिड मिठू सी अंडर द ट्री. मिठू ने पेड़ के नीचे क्या देखा. तो इसका आंसर होगा मिठू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री. ओके नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स टॉक. डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज. क्या आप आम खाना पसंद करते हो. तो इसका आंसर होगा येस आई लाइक ईटिंग मैंगोज अमोंग ऑल द फ्रूट्स दे आर माई फेवरेट. क्योंकि वो सबके पसंदीदा फल होते हैं. मैंगो सबको अच्छा लगता है. नेक्स्ट है डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज. वाई. आप हरे आम पसंद करते हो क्यों. तो इसका आंसर होगा नो आई डोंट लाइक टू ईट ग्रीन मैंगोज. मैं हरा आम खाना पसंद नहीं करता बिकॉज दे आर सावर इन टेस्ट. क्योंकि वह टेस्ट में खट्टा होता है. डू यू लाइक येलो मैंगोज. वाई. आप पीला आम खाना पसंद करते हो क्यों. तो इसका आंसर होगा येस आई लाइक येलो मैंगोज बिकॉज इट इज स्वीट एंड जूसी. ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज. लेट्स शेयर. कलर द चिली रेड एंड द पैरोट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस. देखिए ये जो पैरोट है ये अपने पिक में एक चिली लिए हुए हैं. तो आपको चिली को रेड से कलर करना है और फिर पैरोट को आपको जो भी कलर अच्छा. तो पैरोट किस कलर का होता है. ग्रीन होता है. तो फिर आपको अपने चॉइस से इसको कलर करना है. यहाँ पे देखिए सिंग पैरोट विथ अ रेड बिग कैन यू रियली स्पीक मिठू मिठू मिठू. ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड. देखिए ये जो लेडी बर्ड है इसके पाथ को आपको ट्रेस करना है. ओके सो यहाँ से देखिए ऐसे पेंसिल से इस पर ट्रेस करते हुए यहाँ तक ले जाना है. ओके स्टूडेंट्स नाउ प्लीज टर्न द पेज. मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे आर ग्रो ऑन. देखिए आपको उस फ्रूट को और वेजिटेबल्स को उसके पेड़ से मैच करना है जहाँ पे वो मिलता है जिस पेड़ से वो ग्रो होता है. जैसे बनाना है तो बनाना कहाँ से मिलता है. बनाना ट्रीज से. सो वी विल मैच विथ बनाना. ओके फिर है कोकोनट. कोकोनट को कोकोनट ट्री से. फिर एप्पल. देन एप्पल को एप्पल ट्री से. फिर है ग्रैप्स. सो ग्रैप्स को ग्रैप्स वाइन. फिर है मैंगो. मैंगो को मैंगो ट्री से. ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज. नाउ स्टूडेंट्स लर्न टू लाइट राइट. ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन्स. ये जो डॉट दिए गए हैं इसके ऊपर आपको लाइन को ड्रॉ करना है पेंसिल से. ओके नेक्स्ट वन इज से अलाउड. जोर से बोलो. बैट कैट मैट बेड फेड रेड बिट हिट पिट डॉट हॉट पॉट बन फन रन. ओके नाउ नेक्स्ट चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो. देखिए यहाँ पे वोवेल्स दिए गए हैं तो इसको पता है कि वोवेल्स 5 होते हैं ए ई आई ओ यू. तो आपको इसमें से एक कोई इस यहाँ पे फिल करना है. तो आपको यहाँ पे एक लेटर को यहाँ पे फिल करना है जैसे ए ई आई ओ यू.
में से कौन यहाँ पे किस इस वर्ड को कंप्लीट करेगा उसको यहाँ पे फील करना है और फिर वर्ड को कंप्लीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पे होगा एस ए टी सैट, नेक्स्ट वन इज पी आई जी पिग, नेक्स्ट वन इज बी आई जी पिग, डी ओ टी डॉट, एस यू एन सन, एफ ए एन फैन, एल ई जी लेग, एस आई टी सिट, एल ओ टी लॉट एंड बी यू एन बन। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास।